ओम शांति। बाबा ने हम सभी को सत्यता की शक्ति दी है। पहली सत्यता की शक्ति सत्य ज्ञान, दूसरा आत्मा के सत्य स्वरूप की पहचान, तीसरा परमात्मा के सत्य स्वरूप का, उसके सत्य धाम का, उसकी शक्तियों की पहचान। ये तीन सत्यता बहुत बड़ी हमारे पास हैं। इन तीनों की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। सत्यता में बहुत बल है। याद करें भगवान वाच, जिधर सत्य है उधर मैं हूँ, और जिधर मैं हूँ उधर ही विजय है। तो हम अपनी सत्यता की शक्ति को बढ़ाते चलें। हमारी सत्यता है ही प्योरिटी। इस प्योरिटी के बल को बढ़ाने से हम सत्यता के बल का सुंदर अनुभव करेंगे। कई लोगों में एक कमजोरी रहती है, कहते हैं मैं सच्चाई पर चलने वाली हूँ, चलने वाला हूँ, कोई मुझे यदि सच्चाई के विरुद्ध कुछ करता है तो मैं बहुत हर्ट हो जाता हूँ, मुझे सच्चाई बहुत प्रिय है, कोई यदि असत्य मेरे सामने बोलता है तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता है। दोनों ही बातें गलत हैं। यदि आप सत्य प्रेमी हैं तो आपके पास सत्यता का बल होना चाहिए। केवल सत्य बोलना और सत्य सुनना ये पर्याप्त नहीं है, और कलयुग में इसकी संपूर्ण आशाएं भी नहीं रखनी चाहिए। अगर सत्यता के कारण आपकी स्थिति बिगड़ती है, आप रोते हैं, तो ये सत्यता तो आपकी कमजोरी हो गई। आप सत्य नहीं हैं, आप सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हैं, आपके पास सत्यता का बल नहीं है। यदि कोई आपके बारे में निगेटिव वाइब्रेशन फैलाता है, उल्टी सुल्टी बातें करता है, और आप सत्य हैं, परंतु आप परेशान हो जाते हैं, मेरा वातावरण बिगाड़ दिया, लोग मुझे क्या कहेंगे, और आप अपनी स्थिति को पूरी तरह नष्ट कर लेते हैं, तो ये भी आपकी सत्यता नहीं है। सत्यता की शक्ति माना चल अडोल, और आपको ये विश्वास और धैर्य रखना होगा कि जिधर सत्य है उधर बाबा है, उधर विजय है। 1000 असत्य लोग, 1000 लोग असत्य बातें करें मेरे बारे में, परंतु मेरे साथ स्वयं भगवान है, विजय मेरी ही होगी। यदि आपको ये विश्वास नहीं है तो आप बाबा की सत्यता को नहीं पहचानते। दूसरा असत्य बोलता है और आपकी स्थिति बिगड़ती है, आपको क्रोध आता है, ये भी आपकी सत्यता की न शक्ति है, न सत्यता की दिव्यता है, न सत्यता का तेज आपके पास है, क्योंकि आपका क्रोध आपके तेज को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना। दूसरा असत्य बोल रहा है, आप जानते हैं, आप मुस्कुरा दे, ये आपकी सत्यता की शक्ति है। अपनी सत्यता की शक्ति से उसे ऐसे वाइब्रेशंस दें कि वो अपने असत्य को रियलाइज करे, असत्य बोल न सके, ये सत्यता की शक्ति है। तो आइए हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं। जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, हमारी ये शक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना जितना हम प्योरिटी की शक्ति को बढ़ाएंगे, बाबा में अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, बाबा को पहचानेंगे, उतनी ये शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। यही सत्यता की शक्ति संसार से असत्य के अंधकार को समाप्त करेगी। इसलिए अपने इस स्वरूप में स्थित हो जाएं। आपका सत्य आपको नाजुक न बनाए, आपका सत्य आपको रुलाए नहीं, आपका सत्य आपको अचल अडोल बनाए, यही आपकी शक्ति है। तो आज सारा दिन हम अपने इस देवी स्वरूप में रहेंगे, याद करेंगे मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है।
मैं तो पूर्वज हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, अपना स्वरूप इमर्ज करें, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ या अस्तुर्जाधारी देवी हूँ, असुर संहारिणी हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ, सबके विघ्न नष्ट करने वाला हूँ। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।